हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोटोग्राफी विला। और आज हम आपको बताने जाएंगे फोटोग्राफी में कि फोटोशॉप के अंदर कैसे बैकग्राउंड को ब्लर किया जाता है, किसी भी पिक्चर के बैकग्राउंड को ब्लर किया जाता है कैसे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले खोलिए आप फोटोशॉप। मेरे पास फोटोशॉप 7.0 है, मैं उसमें आपको सिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने एक फोटो ले रखी थी, उसकी कटिंग कर रखी है। आपको भी पहले कटिंग करनी पड़ेगी। फोटो की कटिंग करके उसके बाद उसका जो नॉर्मल वाला बैकग्राउंड है पीछे वाला, उसको भी ओपन करिए और आप उसी लेयर को सिलेक्ट करिए, बैकग्राउंड लेयर को। उसके बाद आप फिल्टर वाले ऑप्शन पर जाइए। सबसे ऊपर देखिए फिल्टर वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए ब्लर का ऑप्शन है, उस ब्लर में भी आपको थर्ड नंबर का गोसाई ब्लर ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद इसको आपको क्वांटिटी जो इसकी है 1.0 दे रखी है पिक्सल, इसको आप 70 से ऊपर ले लीजिए। उस पर ओके करिए और फिर कंट्रोल टी प्रेस करिए। सॉरी, ये लेयर लॉक है, इसको पहले खोलना पड़ेगा आपको। तो बैकग्राउंड लेयर पे दो बार क्लिक करिए और ओके कर दीजिए। फिर कंट्रोल टी प्रेस करिए और ऑल्ट शिफ्ट की मदद से किसी भी कोने को पकड़िए, उसको खींच दीजिए। और एंटर प्रेस करिए। फिर एक काम करिए, आप लेयर वन पे सिलेक्ट करिए और फिर से कंट्रोल टी प्रेस करिए और यहाँ पे कोने पे किसी भी कोने पे सिलेक्ट करिए, तो थोड़ा सा साइज को छोटा करिए और इसको उठा के नीचे की तरफ रख दीजिए। फिर से एक बार लेयर जीरो पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे इस कोने से पकड़ के ऐसे। ये तैयार होगी आपके ही फोटो की ब्लर बैकग्राउंड। ये बहुत ही सिंपल है, आप इसको बस कटिंग करने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, उसके बाद कोई मेहनत नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।